आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड द 3 एंगल्स। गाइज ये बिल्कुल बहुत एक और एक इजी क्वेश्चन है। तो गाइज हमें एक ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो मानो ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल को मैं अगर इस नाम दे देता हूं ए बी सी। और गाइस और हमें एक चीज भी पता है, क्या पता है, हमें पता है कि द सम टोटल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, सम टोटल एंगल्स बोले तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, द सम टोटल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये गाइस हमें पता है, तो मैं ये लिख लेता हूं अभी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये हमें पता है कि ये तीनों का टोटल अगर हम लोग करेंगे तो एक एंगल ट्रायंगल का हमें 180 डिग्री मिलता है। ये जस्ट ध्यान में रखिए आप, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्वेश्चन ने हमें दिया है, क्या दिया है, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी दैट इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, यही हमें क्वेश्चन ने दिया है। तो इसको देख के हम लोग को आगे सॉल्व करना है और तीनों का एंगल निकालना है। एंगल ए क्या कितना डिग्री है, एंगल बी कितना डिग्री है और एंगल सी कितना डिग्री है, इन तीनों का एंगल्स हमें निकालना है। तो गाइस हम लोग अभी क्या करेंगे, जो हमें पता नहीं है, चलो मान लेते हैं कि एंगल ए, हम लोग एंगल ए को एक्स डिग्री बोल के मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और एंगल बी को हम लोग वाई डिग्री बोल के एज्यूम कर लेते हैं। गाइज ये जो ट्रायंगल है ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ट्रायंगल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एग्जैक्टली ऐसा ट्रायंगल भी नहीं हो सकता है, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है। तो हम लोग एंगल ए को एक्स डिग्री मान रहे हैं और एंगल बी को वाई डिग्री मान रहे हैं। चलिए वही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल बी इज इक्वल टू वाई। ये क्या है, एक्स है, एक्स डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू वाई डिग्री है। अभी जो दिया है क्वेश्चन ने हमें क्वेश्चन क्या दिया था या अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन हमें ये दिया है, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी। तो मैं यहाँ पे ऊपर जो दिया है उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 3 वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं एंगल वाई, एंगल बी इज इक्वल टू वाई बल्कि एज्यूम किए हैं। तो एंगल सी इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें दिया है कि एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, तो मैं बी के जगह पर वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू वाई बल्कि एज्यूम किए हैं। तो ठीक वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू 3 वाई। तो ये एक हो गया, जस्ट इसको आप लोग ध्यान में रखिए, हमें मिला है एंगल सी इज इक्वल टू 3 वाई। अभी फिर दूसरे तरफ और थोड़ा आगे देखेंगे, जो ऊपर गिवन है एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये जो क्वेश्चन का और एक जो है, 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 3 एंगल बी, एंगल बी के जगह पर मैं वाई लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 2 एंगल ए, हम लोग एक्स लिए हैं और एंगल बी को हम लोग वाई लिए हैं, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दिया, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई बोल के लिख दिया। फिर उसको थोड़ा आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। गाइस जैसे कि ये एक लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग ठीक वही कर रहे हैं, अभी 2 लीनियर इक्वेशन अभी हम लोग निकालने वाले हैं। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, और मैं इसको लिख सकता हूं 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x। मैं क्या लिखा इसको, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x,
और वाई इज इक्वल टू 2x, और इसको मैं चाहूं तो और थोड़ा इसको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे मैं लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, अगर अगर मैं इसको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे लिखना चाहूंगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये जो y है मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया तो इस लेफ्ट साइड पे क्या रहा, जीरो रह गया। सो 2x माइनस वाई हो जाएगा, ये प्लस वाई जब राइट साइड को जाएगा इज इक्वल टू जीरो हमें मिलेगा। तो ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल गया गाइस, क्या मिला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो बोल के हमें मिल गया है। अभी हम लोग सेकेंड लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। जैसे कि मैं ऊपर बोला था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है। एक ट्रायंगल का सारे एंगल्स अगर हम लोग मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो वही मैं लिख रहा हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए के जगह पे मैं एक्स लिखूंगा, एंगल बी के जगह पे मैं वाई लिखूंगा, और एंगल सी के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3y लिखूंगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ, एंगल सी के जगह पे मैं 3y कैसे लिखा, अगर आप लोग ऊपर देखेंगे यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग निकाले थे एंगल सी इज इक्वल टू 3y बोल के हम लोग निकाले थे, तो वही एंगल सी के जगह पे मैं 3y को रिप्लेस कर दिया, तो इसीलिए हमें मिला x प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x के a के जगह पे x कर दिया, b के जगह पे y कर दिया, c के जगह पे 3y कर दिया। और जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा और x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 में लिख लेता हूं, डिग्री को अब जस्ट ऐसे ही निकाल लेता हूं, सो x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 हमें मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। सो गाइस हमें अभी दो लिनियर इक्वेशन मिल गया है, क्या क्या मिला है, सो वी गॉट द बिलो, वी गॉट द बिलो टू लिनियर इक्वेशंस। जो जो मिला है एक जगह पे मैं लिख लेता हूं, क्या क्या मिला है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो एक मिला है, और एक मिला है x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है और ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है, हमें ये दो लीनियर इक्वेशन मिल गया है। गाइस हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तक हमें सबको पता होना चाहिए क्या कैसे, तीन मेथड है हम लोगों को पता है, कौन सा मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, और एक एलिमिनेशन मेथड है। सो गाइस ये लीनियर इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड पे सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी लगता है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लेके इसको सॉल्व करूंगा। आप लोग चाहिए तो इसको दूसरे दो मेथड जो है उस पे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा मेथड पे भी हम लोग सॉल्व करें हम लोगों का वैल्यूज सबका एक ही आएगा। तो चलिए इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। गाइस एलिमिनेशन मेथड पे क्या होता है, हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर आप लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो हम लोगों के पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है और एक x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 है। तो चलिए हम लोग फोकस करते हैं x वेरिएबल के ऊपर, तो हम लोग x वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 2x है, इक्वेशन नंबर 2 में ओनली x है, तो चलिए ये जो ओनली x है इसको 2x हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को तो हमें ये 2x मिल जाएगा हमें। तो ठीक वही करते हैं, एलिमिनेशन मेथड हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कौन सा भी मेथड हो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले मैं स्टेप 1 कर लेता हूं, जैसे कि मैं बोला 2 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ, मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन नंबर 2। गाइस हम लोग 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि x को हम लोग 2x कर सकें। अगर एक बार 2x कर दिए तो दोनों इक्वेशन को हमें कैंसिल करने में, दोनों इक्वेशन में से x वेरिएबल को कैंसिल करने में इजी रहेगा, आसान रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 है, और जैसे कि मैं बोला 2 के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, दोनों तरफ हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक इक्वेशन बैलेंस होने का एक रूल है, जो भी हम लोग एक साइड पे करेंगे दूसरे साइड पे भी वही, जो एक
इक्वेशन है, उस इक्वेशन के साथ अगर कुछ हम लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो करेंगे राइट हैंड साइड पे भी एग्जैक्टली वही करेंगे, ताकि एक इक्वेशन बैलेंस होके रहे। तो इसीलिए मैं दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, करने कर रहा हूं। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 360, क्योंकि 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360। तो हमें क्या मिला, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 360, हमें इक्वेशन नंबर 3 एक मिल गया है। गाइस अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर फोकस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 पे है 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 पे है 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 360। x 2x को कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 2x माइनस 2x करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो चलिए ठीक वही करते हैं अभी हम लोग स्टेप नंबर 2 में। ये जो क्वेश्चन का स्टेप, ये जो स्टेप्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसका स्टेप नंबर 2 में हम लोग अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेप 2 गाइस, सब्ट्रैक्ट जनरली हम लोग कैसे करते हैं, एक बड़े इक्वेशन से एक छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, इक्वेशन नंबर 1 पे इज इक्वल टू 0 है और इक्वेशन नंबर 2 पे इज इक्वल टू 360 है, तो डेफिनेटली इक्वेशन नंबर 3 बड़ा है क्योंकि इज इक्वल टू 360 है। तो हम लोग वही अभी करेंगे, एक बड़े इक्वेशन से एक छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वही एग्जैक्टली मैं लिख लेता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हम लोग ले रहे हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 1 छोटा है, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 बड़ा है। तो जो बड़ा इक्वेशन है उसको मैं पहले लिख लेता हूं, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 360, और जो छोटा इक्वेशन है उसको मैं नीचे लिख लेता हूं, x प्लस 4y, x 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या था, ताकि मैं गलती ना करूं, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 है, तो वही मैं नीचे लिख दिया 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। अभी जैसे कि हम लोग ने ऊपर लिखे हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो गया, और हम लोग के पास क्या रहा, प्लस 8y प्लस y, ये हो गया 9y, 9y इज इक्वल टू 360, और y इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 9, 360 डिवाइडेड बाय 9। ये कैसे हुआ, क्योंकि y के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे 9y के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है, ये जब राइट साइड को मूव होगा ये डिवाइड हो जाएगा, ये जब राइट साइड को मूव होगा ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमें मिला है, हम लोग इसलिए ले रहे हैं y इज इक्वल टू 360 बाय 9, और y इज इक्वल टू 40, 9 4 36। तो गाइज हमें y का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है। अभी y का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे, ये y का वैल्यू लेके किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग डाल देंगे, ताकि हमें x का वैल्यू मिल सके। स्टेप 3, पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ y, अबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलिए हम लोग इक्वेशन 1 पे ही डाल देते हैं, इन इक्वेशन 1 कौन सा वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे y का वैल्यू हमें 40 मिला है, ये लेके हम लोग इक्वेशन 1 पे डाल देते हैं। इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था गाइस, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, और मैं अभी जैसे कि बोला ऊपर जो y का वैल्यू हमें मिला है ये वैल्यू लेके हम लोग डाल देंगे, और 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू 40। ये कैसे हो गया, यहाँ पर माइनस 40 है, जब ये राइट साइड को मूव हो जाएगा ये प्लस 40 हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, 2x इज इक्वल टू 40, और x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू 20, हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 20 हमें मिल गया। तो गाइज ये कैसे हुआ, 2x इज इक्वल टू 40, ये 2 और 2x के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है, ये जब राइट साइड को जाएगा ये 40 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को मिला x इज इक्वल टू 40 बाई 2 और x इज इक्वल टू 20। सो इसी तरह से हमें x और y का वैल्यू हमें मिल गया है। अभी फाइनल स्टेप के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लगभग हम लोग का x और y मिल चुका है और आंसर के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग फाइनल स्टेप के तरफ बढ़ेंगे, फाइनल स्टेप बोल के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ,
फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो जो एज्यूम किए थे चलिए उसको पहले लिख लेते हैं। वी हैव इनिशियली क्योंकि हम लोग पहले एज्यूम किए थे, वी हैव इनिशियली इनिशियली मीन्स इनिशियली बोले तो पहले, वी हैव इनिशियली एज्यूम, क्या एज्यूम किए थे, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स और एंगल बी इज इक्वल टू वाई, और ऊपर हमें क्या मिला था, एक्स का वैल्यू मिला है एक्स इज इक्वल टू 20, सो एक्स का वैल्यू हमें 20 मिल गया और वाई का वैल्यू हमें 40 मिला था, तो वाई हमें 40 मिल गया है। और गाइस अभी हमें एंगल सी निकालना है। एंगल सी निकालने के लिए ये बहुत इजी है, क्या क्या क्यों इजी है, हमें पता है एक ट्रायंगल का सम, एक ट्रायंगल का अगर चारों तीनों एंगल्स अगर हम मिलेंगे हमें 180 डिग्री होता है, तो वही मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, ऊपर भी लिखे हैं वही एग्जैक्टली अभी यहीं पे भी लिखता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये हम सभी को पता है। तो एंगल ए के जगह पर मैं 20 लिख लेता हूँ, एंगल बी के जगह पर मैं 40 लिख लेता हूँ, और ये एंगल ये एक्चुअली इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये 20 डिग्री 40 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग आंसर निकालेंगे, और 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज 60 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कैसे हुआ, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो 60 डिग्री प्लस होके रहा है ये जब राइट साइड को आएगा ये माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग मैं लिखा हूं यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो हमें गाइस एंगल सी का वैल्यू मिल गया है। तो अभी हमें तीनों का एंगल मिल गया है, जस्ट ए कंक्लूडिंग लाइन मैं लिख लेता हूँ, मैं जस्ट ए कंक्लूडिंग लाइन लिख लेता हूँ, आप अपने तरीके से लिखिए जो भी आपको अच्छा लगे लिखने के लिए, जस्ट मैं हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, देयरफॉर क्या लिखूंगा, देयरफॉर द थ्री एंगल्स क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछा था निकालने के लिए क्या क्या एंगल्स है, देयरफॉर द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर आर क्या क्या मिला है, एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री मिला है, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री मिला है, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या मिला है 120 डिग्री। गाइस ये तीनों को भी आप ऐड करेंगे तो हम लोगों को 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से आप लोग कुछ भी अपने तरीके से भी लिख के इसको कंक्लूड कर सकते हैं। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल ईजी है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।